जिला महिला चिकित्सालय परिसर में नव निर्माणाधीन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 शैया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस 100 बेड वाले कक्ष का निर्माण ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए किया गया है और ये आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से सुसज्जित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, लेबर रूम की टेबल वेबल सब अभी तो सारी चीजें उसमें होंगी, लेकिन उस ड्रग ट्रॉली जो आपको ड्रग ट्रॉली लग जाएगी अच्छा इसमें कहीं एरो। हमारे महिला चिकित्सालय परिसर में एक 100 बेडेड मैटरनिटी विंग बन गई है, बन के तैयार हो गई है, उसका भवन स्थानांतरण हो गया है और उसमें पहले ये PPP मॉडल पे चलना था जिसको HLL एक कंपनी है वो चलाती, परंतु अब ये हम लोगों को चलाना है। HLL ने सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए हैं जिसको शासन ने उनसे लेकर हमें दे दिया है, उसकी फिटिंग चल रही है, उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे कि कितना दिन और लगेगा कि हमें ये सारे कमरे हमारे व्यवस्थित रूप से सारे इक्विपमेंट्स उन जगहों पर लग जाएँ। उसमें तेज़ी लाने के लिए आज हमने HLL को बुलाया था, उनके प्रतिनिधि भी आए थे, उनको कहा भी है और वो कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाने की उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण होना है जिससे जनता को इस 100 बेड हॉस्पिटल का लाभ मिल सके। तो ये हम बहुत जल्द ही मेरे ख्याल से 15 तक पूरा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेना चाहेंगे और इसमें हमारे स्टाफ की तैनाती काफ़ी कुछ हो चुकी है। हमारे 6 चिकित्सक तैनात हो चुके हैं, 22 स्टाफ नर्सेज तैनात हो चुके हैं, LT 4 आ गए हैं, OT टेक्नीशियन 2 आ गए हैं और कुछ पद अभी रिक्त हैं जिनके लिए तैनाती की गई है, आज या कल में वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इसे चलाने में हम लोगों को हमारे प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक महोदय को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और हम इसको अच्छे से चला लेंगे।